गाइज मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप चाहते हो किसी बड़े क्रिएटर के नीचे आपकी वीडियो सजेशन में जाए, YouTube आपकी वीडियो को बड़े क्रिएटर्स के वीडियो के नीचे सजेस्ट करे, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको ऐसे तीन तरीके बताने वाला हूँ और यहाँ पर इन तीन तरीके को अगर आप सही तरीके से अपने चैनल पर अप्लाई करते हो तो आपकी वीडियो, आप जिस भी बड़े क्रिएटर को फॉलो करते हो और जिस तरीके का आपका चैनल है उस तरीके का उनका भी चैनल है, तो आपकी वीडियो भी उनके वीडियोज़ के नीचे सजेशन में YouTube भेजेगा और आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन क्रिएटर्स के वीडियो के नीचे सजेस्ट करेगा जिस तरीके का आपका चैनल है। जैसे टैग चैनल मेरा है तो मेरे से जो बड़े बड़े टेक्निकल चैनल है मेरी वीडियो को भी उन वीडियोस के नीचे ही सजेस्ट करेगा। लेकिन ये तीन तरीके कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और मैं आपको यहां पर एक बात बता देता हूं, आप लोग मुझे काफी टाइम से अगर फॉलो कर रहे हो तो मेरी वीडियोस पर पहले व्यूज कितने आते थे, 30, 40, 50, 100 ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते थे। लेकिन अब अचानक से मेरी वीडियोस पर व्यूज कितने आने लगे, 200, 300, 400, 500, 700, 800, मेरे हर दो तीन वीडियो के बाद 500, 600, 700, 800 व्यूज आते हैं मेरी वीडियोस पर। ये ऐसा कैसे हो गया तो मैं बता दूं, मेरी वीडियो को YouTube जो है सजेस्ट करता है बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियोस के नीचे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि ये हुआ कैसे, मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने चैनल पर और ये तीन तरीके अब आप लोगों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी, चाहे आपका चैनल नया क्यों ना हो, थोड़ा सा टाइम लगता है, जाहिर सी बात है एकदम से तो आपका चैनल बूस्ट होगा नहीं। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं तीन तरीके क्या। सबसे पहला तरीका जो कि आपको अप्लाई करना है अपने चैनल पर वो है टाइटल को लेके। गाइज आप लोग जितने भी नए क्रिएटर से गलती इसलिए करते हो क्योंकि आपको पता नहीं कि टाइटल लिखना कैसे। देखो गाइज आप लोगों में बताता हूं कि टाइटल में हमेशा आपको इंग्लिश में और हिंदी में टाइटल जरूर लिखना है। इससे क्या होगा, टाइटल अगर आप अट्रैक्टिव हिंदी में पहला कीवर्ड लिखते हो, टाइटल अपना अपनी वीडियो में लगाते हो तो अट्रैक्टिव लिखा और थंबनेल में भी वही सेम टाइटल लिखा है और कुछ हटके लिखा है तो आपकी वीडियो जब आप अपलोड करोगे तो ब्राउज फिशर से जरूर देखा जाएगी आपकी वीडियो को। मैं मानता हूं कि आपको SEO करना नहीं आता है और जितना भी आता है अपना दिमाग लगा आपने अपनी वीडियो का SEO किया है, लेकिन उसके बाद भी आपकी वीडियो सर्च से नहीं आ रहा है, आपकी वीडियोज पर जो व्यूज है वो सर्च से नहीं आ रहा। तो लेकिन अगर आपने टाइटल अट्रैक्टिव लिखा है और यहां पर थंबनेल भी अट्रैक्टिव, उस पर थंबनेल पे भी आपने कुछ अट्रैक्टिव लिखा, हटके लिखा है, तो 101% आपकी वीडियो का जो है ब्राउज फीचर से व्यूज आएगा और हो सकता है कि YouTube जो है किसी भी अदर क्रिएटर के वीडियो के नीचे जब आपकी वीडियो को सजेस्ट करेगा और आपने अपनी वीडियो का टाइटल कुछ हटके लिखा अलग लिखा और आपने यहां पर अपने थंबनेल जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और कुछ अलग हटके लिखा है वही सेम चीज, आपकी वीडियो पर जो क्लिक करेगा ना वो आपकी वीडियो का टाइटल और आपकी वीडियो का थंबनेल देखकर आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा। इससे क्या होगा, आपकी वीडियोस पर व्यूज बढ़ेगा। तो ये था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका कि आप अपनी वीडियो को बड़े क्रिएटर्स के नीचे कैसे सजेशन में भेज सकते हो, YouTube कैसे भेजेगा। तो आपको करना क्या है, आपने टाइटल तो लिख लिया, अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में आपका जो भी वीडियो का टाइटल, जिस भी टाइटल पर आपने वीडियो बनाया है, आपको पहले तो कम से कम 4-5 हैशटैग लगाना है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में अपने। उसके बाद क्या करना है, यहां पर बड़े बड़े क्रिएटर का 3 या 4 आपको टैग लगाना है डिस्क्रिप्शन में। जी हाँ दोस्तों, 3 या 4 आपको बड़े बड़े क्रिएटर्स का नाम लिखना है, उनके चैनल का टैग लगाना है आपको डिस्क्रिप्शन में। इससे क्या होगा, इससे आपकी वीडियो जो है YouTube जो है उन्हीं के वीडियो के नीचे, बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो के नीचे आपकी वीडियो को सजेस्ट करेगा। आपको एक बात बता दूं यहां पर, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस टॉपिक पर आपने आज वीडियो बनाया उसी टॉपिक पर आपके बड़े क्रिएटर्स के जो वीडियोस है उन्हीं के नीचे सजेस्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बता दूं, आपने अगर आज की वीडियो बनाया कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए और बड़े क्रिएटर्स ने बनाया है कि यहां पर चैनल को कैसे ग्रो, तो आपकी वीडियो भी वहां पर उनके वीडियो के नीचे सजेस्ट में जाएगी और YouTube भेजेगा आपकी वीडियो को। टाइटल से मतलब नहीं है, आपका टाइटल वीडियो को कुछ भी हो और उनके वीडियो का टाइटल कुछ भी हो, लेकिन आपकी वीडियो को सजेशन में जरूर भेजेगा। ये था दूसरा तरीका। इस तरीके से आप अपनी वीडियो को सजेशन में भेज के व्यूज लेकर आ सकते हो। आपको टैग वाले सेक्शन में भी जहां पे 500 कीवर्ड लिखने का ऑप्शन मिलता है, आपको पहले अपने वीडियो से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश में टैग लिखना जरूर है, ठीक है। उसके बाद आपको 4 या 5 बड़े बड़े क्रिएटर के चैनल का नाम जरूर लिखना है, वहां पर टैग जरूर लगाना है, जैसे मनोज दे हो गया, टेक्निकल योगी सर हो गए, यहाँ पर टेक चैंपियन सपोर्ट हो गया जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर जुन्नू की टैग हो गया, इनके 4 कीवर्ड जरूर लिखने हैं आपको टैग वाले सेक्शन में। इससे क्या होगा, इससे जो है यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ जाएगा कि हाँ ये भी कीवर्ड जो है बड़े बड़े क्रिएटर का जो है यहाँ पर नाम लिखा गया, उनके वीडियोज के नीचे आपकी वीडियो को सजेस्ट जरूर करेगा और हो सकता है कि उनके जो ऑडियंस है, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर है उनकी ऑडियंस
भी आपकी वीडियो को देखे, और यही हमें चाहिए। जब तक हमारी वीडियो को उनकी ऑडियंस नहीं देखती है, जब तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमारी वीडियोस पर व्यूज नहीं बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा जो टारगेट है, हमें अपनी वीडियो को उनके वीडियोस के नीचे, बड़े क्रिएटर्स की वीडियो के नीचे सजेस्टेड में भेजना है। और जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, जब तक हमारी वीडियो को यूट्यूब नहीं भेजता है। तो ये था तीसरा तरीका जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक चौथा और आखिरी तरीका जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% करना चाहिए। चैनल कीवर्ड, आपको चैनल कीवर्ड जरूर लगाना चाहिए। आप बहुत सारे लोगों के मन में होगा चैनल कीवर्ड क्या होता है, चैनल कीवर्ड में तो हम अपने चैनल को सर्च में लेकर आते। तो मैं आपको बता दूं, तो जैसे कि मैंने यहां पर ओपन करके आपको दिखा दिया है, मैंने यहां पर अपना जो है शुरू में अपने चैनल को पहले तो सर्च में लेकर आया। उसके बाद मैंने यहां पर मेरा जो किस कैटेगरी का चैनल है, टेक कैटेगरी का चैनल है। तो मैंने क्या किया, मेरे से जो बड़े बड़े टेक्निकल चैनल है, जैसे कि मैंने बता दिया जिन्नू की टेक, टेक्निकल योगी, मनोज दे, इनके चैनल के नाम का कीवर्ड मैंने अपने चैनल पर लगाया है गाइज। इससे यह फायदा है कि हमारी वीडियो को YouTube जो है उनके सजेशन में भेजेगा और उनकी ऑडियंस के ब्राउज फीचर में भी भेज सकता है। और हो सकता है कि अगर आपने अपनी वीडियो का SEO सही से करा हो, तो डेफिनेटली अगर उनका कोई व्यूवर आपकी वीडियो पर एक बार क्लिक करता है आपके थंबनेल और टाइटल को देखकर, और डेफिनेटली आप जब उनके बड़े बड़े क्रिएटर के चैनल का नाम अपने कीवर्ड में लिखते हो, तो 101% जब भी आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करोगे, तो उनके ही जितने भी ऑडियंस है, जितने भी उनके व्यूवर है बड़े बड़े क्रिएटर्स के, आपकी वीडियो भी उनको कहीं ना कहीं दिखाई दी जाएगी और आपकी वीडियो पर वो क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो को जरूर देखेंगे। इस तरीके से आप अपने वीडियोस पर व्यूज को इंक्रीज कर सकते हो, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे ही किया है, तभी मेरी वीडियोज पर अचानक से व्यूज आना स्टार्ट हुए हैं गाइज। तो आपको ऐसा जरूर करना, अपने चैनल के कीवर्ड में ही इन बड़े बड़े क्रिएटर्स के चैनल का नाम जरूर लगाना है, जरूर लिखना है उनके कीवर्ड को। आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, मैं ये नहीं कह रहा कि टेक कैटेगरी का, आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, आप जिन भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मानते हो, उनकी वीडियोस को देखते हो, उनके चैनल का नाम जरूर लिखना है चैनल के कीवर्ड में गाइस। ये था जो कि मैंने चार तरीके बता दिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरी ऐसी जेन्युइन वीडियो मिलती रहे गाइस। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।